पुलिस अधीक्षक महासमुंद के निर्देशन में ग्राम संतपाली थाना सरायपाली में हुए दोहरे अंधे कत्ल का खुलासा किया है। ग्राम के ही एक युवक ने अपने मित्र के साथ मिलकर बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या की थी। घटना की सूचना मिलने के 24 घंटे के भीतर महासमुंद पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को पकड़ा है। आरोपी जगमोहन व मृत दंपत्ति के मध्य पहले भी वाद विवाद हुआ, बदले में घटना को अंजाम दिया गया। दोनों आरोपियों से मृत दंपत्ति के घर से लिए गए नगद मोबाइल व घटना में उपयोग मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया गया है। डबल मर्डर के केस को सुलझाने में महासमुंद पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली। संतपाली में कलब हुई और उसकी पत्नी सात पत्नी की हत्या की सूचना हमारे पुलिस थाने को मिली। पुलिस टीम वहां पर गई और घर के अंदर में दो डेड बॉडी पड़ी मिली, जिसमें एक कलब हुई जिसमें पहचान हुई, दूसरा उसकी पत्नी सात पत्नी की पहचान हुई। तुरंत वहाँ पर हमारी फोरेंसिक टीम और हमारी डॉग स्क्वाड टीम और हमारी पूरी टीम वहाँ पर गई। वहाँ पे जाने के बाद हम लोगों ने आसपास उनको पूछताछ करने की शुरू किया और सब परीक्षण से गला घोटने से मृत्यु का कारण पता चला। इसके बाद हम लोगों ने चार टीम बनाई, जिसमें हम लोगों ने जमीन जायदाद मामले, गाँव में किसी खास झगड़े, किसी अन्य रिश्तेदार के साथ झगड़े संबंधी मामले के बारे में हम लोगों ने पूछताछ करना शुरू किया। इसके बाद पता चला कि दंपत्ति का छः महीना पहले उनकी पोती के साथ में एक व्यक्ति जिसका नाम है जगमोहन के साथ में संबंध था या आपसी प्रेम संबंध था, उसको ले करके वही जो परिवार था कलह हुई सात पत्नी ने उसको झगड़ा किया था और उसको बोला था कि इस तरीके से उनकी बेटी का रास्ता छोड़ दे, उनको परेशान मत करे। यह बात जगमोहन के मन में गुस्से के रूप में थी और इस फिराक में था, क्योंकि उसको इन लोगों ने बेइज्जत किया था और उसके साथ झगड़ा किया था, तो उसके मन में यह था कि इनको मैं नुकसान पहुँचाऊँगा। 19-20 की दरमियानी रात को उसने देखा कि घर में कोई और नहीं है, तो वह अपने दोस्त लव कुमार के साथ में गया और उन दोनों का गला घोट करके मार दिया। इसके बाद उसने चाबी को लेकर के घर के बाहर से बंद कर दिया ताकि किसी को शक ना हो, चाबी को फेंक दिया। बाद में आसपास की पूछताछ से जगमोहन का नाम आया, उस हम लोगों ने पूछताछ किया, उसी के द्वारा हम लोगों को लव कुमार के बारे में पता चला और साथ ही हत्या करने के बाद में मोबाइल और 8,000 रुपये वहाँ से लेकर के भाग गए थे, तो 8,000 रुपये मोबाइल और वो चाबी भी हम लोगों को मिल गया है। इस प्रकार ये महासमुंद पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है कि 24 घंटे के भीतर सरायपाली संतपाली के डबल मर्डर केस को सुलझाने में इनको सफलता मिली है। इसलिए पूरी टीम को प्रोत्साहन देते हुए मैं 5,000 रुपये नगद की घोषणा करता हूँ। साथ ही इतने कम समय में डबल मर्डर केस को सुलझाना किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ी सफलता है, जिसके मैं वरिष्ठ कार्यालय को भी पत्र भेजूंगा इन उचित इनाम के द्वारा टीम को प्रोत्साहित। हम लोगों ने हत्या का दर्ज 302 और षड्यंत्र 201 की धारा को हम लोगों ने दर्ज करके अपना कार्रवाई किया है और आरोपी जगमोहन और लव कुमार दोनों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आगे विधिवत कार्रवाई कर रही है कि यहाँ पर जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि ये लोग काफ़ी दिनों से 6 महीना पहले इनके साथ में झगड़ा हुआ, तो ये लोग इस फिराक में थे कि आसपास वहाँ पर कोई ना हो, और चूंकि ये घर में दोनों पति पत्नी 55 साल 52 साल की उम्र में थे, घर के भीतर में थे, तो उन लोगों ने जब वहाँ पर गए और चूंकि दो व्यक्ति थे वहाँ पर लव कुमार था, तो जाते ही पहले इन्होंने दरवाजे को बंद कर दिया और उसके बाद इन लोगों की हत्या कर दी और उसके बाद दरवाजे को वहाँ पर उन्होंने बाहर से बंद कर दिया था। संतपाली सरायपाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत डबल मर्डर के केस को सुलझाने में महासमुंद पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली। संतपाली में कलब हुई और उसकी पत्नी सात पत्नी की हत्या की सूचना हमारे पुलिस थाने को मिली। पुलिस टीम वहां पर गई और घर के अंदर में दो डेड बॉडी पड़ी मिली, जिसमें एक कलब हुई की रूप में पहचान हुई, दूसरा उसकी पत्नी सात पत्नी के रूप में पहचान हुई। तुरंत वहां पर हमारी फोरेंसिक टीम और हमारी डॉग स्क्वाड टीम और हमारी पूरी टीम वहां पर गई। वहां पे जाने के बाद हम लोगों ने आसपास उनको पूछताछ करने की शुरू किया और सौ परीक्षण से गला घोटने से मृत्यु का कारण पता चला। इसके बाद हम लोगों ने चार टीम बनाई, जिसमें हम लोगों ने जमीन जायदाद मामले, गाँव में किसी खान झगड़े, किसी अन्य रिश्तेदार खान झगड़े संबंधी मामले के बारे में हम लोगों ने पूछताछ करना शुरू किया। इसके बाद पता चला कि दंपत्ति का छः महीना पहले उनकी पोती के साथ में एक व्यक्ति जिसका नाम था जगमोहन के साथ में संबंध था या आपसी प्रेम संबंध था, उसको लेकर के वही जो परिवार था कलह हुई सात पत्नी ने उसको झगड़ा किया था और उसको बोला था कि इस तरीके से उनकी बेटी का रास्ता छोड़ दे और उनको परेशान मत करे। यह बात जगमोहन के मन में गुस्से के रूप में थी और इस फिराक में था, क्योंकि उसको इन लोगों ने बेइज्जत किया था और उसके साथ झगड़ा किया था, तो उसके मन में यह था कि इनको मैं नुकसान पहुँचाऊँगा। 19-20 की दरमियानी रात को उसने देखा कि घर में कोई और नहीं है, तो वह अपने दोस्त लव कुमार के साथ में गया और उन दोनों का गला घोट करके मार दिया। इसके बाद उसने चाबी को लेकर के घर को बाहर से बंद कर दिया ताकि किसी को शक ना हो, चाबी को फेंक दिया।
बाद में आस पास की पूछताछ से जगमोहन का नाम आया, उसने हम लोगों ने पूछताछ किया, उसी के द्वारा हम लोगों को लव कुमार के बारे में पता चला और साथ ही हत्या करने के बाद में मोबाइल और 8,000 रुपए वहां से लेकर के भाग गए थे, तो 8,000 रुपए मोबाइल और वो चाबी भी हम लोगों को मिल गया है। इस प्रकार ये महासमुंद पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है कि 24 घंटे के भीतर सराईपाली संतपाली के डबल मर्डर केस को सुलझाने में इनको सफलता मिली है। इसलिए पूरी टीम को प्रोत्साहन देते हुए मैं 5,000 रुपए नगद की घोषणा करता हूँ। साथ ही इतने कम समय में डबल मर्डर केस को सुलझाना किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ी सफलता है, जिसके लिए मैं वरिष्ठ कार्यालय को भी पत्र भेजूंगा कि उचित इनाम के द्वारा टीम को प्रोत्साहित करें। इसके तहत हम लोगों ने हत्या का दर्ज 302 और षड्यंत्र 201 की धारा को हम लोगों ने दर्ज करके अपना कार्रवाई किया है और आरोपी जगमोहन और लव कुमार दोनों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आगे विधिवत कार्रवाई कर रही है।